छठ है, छठ के दिन काका सा का श्राद्ध और सप्तमी के दिन बाई का श्राद्ध आता है और काका सा के पिताजी यानी मेरे दादी ससुर जी का भी श्राद्ध साथ में ही आता है। शादी होकर जब मैं ससुराल आई तो लगता था कि यहाँ पिताजी को काका सा क्यों, पर क्या फर्क पड़ता है काका सा कहे या पहुंचे, होते तो पिता समान ही है। अगर मैं काका सा के लिए एक शब्द कहूँ तो यही कहूंगी कि वो एक अच्छे और सच्चे इंसान थे। जिम्मेदारी पूरी करते करते ही वो भगवान में लीन रहने लगे। कृष्ण कहो या राम, एक ही बात है, वो भगवान में भावनामृत थे। अकेले ही प्रभात फेरी कर लेते थे, स्वास्थ्यवर्धक भोजन ही खाते थे, खाने में हरी सब्जियां, उसमें तेल नहीं, मिर्ची भी ज्यादा नहीं, फलों में वो पपीता सेब अंगूर इत्यादि काम में लेते थे। अपने व्यवहार से ही उन्होंने अपनी हर इच्छा को पूरा किया। पैसा उनके जीवन में कभी बाधा नहीं बना, चाहे कम हो या ज्यादा, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार से अपना सारा काम किया, सब शौक पूरे किए। गांव में रहकर भी उन्होंने अपने तीनों बेटों को पढ़ने बाहर भेजा। बड़े बेटे राम प्रकाश जी ने रखा। दुख की बात है कि वो बहुत जल्दी ये संसार छोड़कर चल बसे, लेकिन सबको पीछे जीना पड़ता है, ये जीवन का दस्तूर है। उनसे छोटे वाले बेटे राधनपुर में बड़े सर्जन बने जिन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया, और सबसे छोटे बेटे को सीए बनाया जो मुंबई में सेटल हुए, जिनकी वो पत्नी हूँ राम लक्ष्मण जी ने रखा। काका सा ने हमारे लिए गांव में जमीन छोड़ी, घर छोड़ा, चाहे खुद परेशान रहे होंगे लेकिन फिर भी बच्चों के लिए छोड़ के गए। आज मुझे पता चला कि तीसरी क्लास तक पढ़े हुए थे, पर उन्होंने वो काम किया जो ज्यादा पढ़ लिख के भी नहीं कर पाते हैं। सादगी का जीवन था, चाय कभी नहीं पी, दूध के शौकीन थे, चांदी के गिलास में ड्राई फ्रूट वाला पीते थे। घूमने का बहुत शौक था। आज घूमने के मायने बदल गए हैं कि हम सेहत का ध्यान रखने के लिए घूमते हैं, लेकिन उन्हें शौक था, उन्हें ऐसे शौक थे जिससे हेल्थ अपने आप सही रहती थी। ताली बजाने का बहुत शौक था, जो आज हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्टैंडर्ड में बजाते हैं कोरोना काल में, कोरोना से बचने के लिए। कभी ज्यादा खर्चा नहीं किया, रोटी हमेशा मोटी ही खाई, सब्जी जोर वाली, अपने अंदाज में जीते थे काका से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। गाय पालन या गो सेवा भी करते थे। रामचरितमानस का अध्ययन व पठन का बड़ा शौक था। आज भी कानों में चौपाइयों की आवाज गूंजती है उनकी। अतिथि सत्कार अपने बराबर का करते थे। रिश्तेदारों से मिलने का शौक था। मंदिर नित्य नियम से जाते थे, बोलते ज्यादा थे। ये उनकी बात हमें अच्छी नहीं लगी थी उस समय, लेकिन उनका स्वभाव था। आजादी के पूर्व का वातावरण उन्होंने देखा, उसकी जानकारी बहुत थी, कहानियां भी सुनाते थे, जवानी में घुड़सवारी भी की थी। पहनावा बड़ा सादा था, धोती कुर्ता और चूड़ी का साफा, लेकिन उसी में उनका रुतबा था। ऐसे थे हमारे काका सा, राधा कृष्ण जी का सूर्य बने, और उनकी धर्म पत्नी यानी मेरी सासू माँ राम कन्या देवी।
बाई कह के पुकारा करते थे। जाने के बाद बहुत मिस करते हैं उनको। शायद पहले हम इतना पहचान नहीं पाते हैं कि क्या होते हैं बड़े बुजुर्ग, हमें जाने के बाद पता चलता है। जितना हमारे काका साहब सादगी का जीवन जीते थे उससे थोड़ा अधिक चटपटे भोजन उनको पसंद थे, मिठाइयाँ भी बहुत पसंद थी, घूमने का भी शौक था, अच्छे कपड़े में सज धज के रहने का भी शौक था। शुरू शुरू में तो रखड़ी डोरा हमेशा उनके सर पे लगाई रहता था, मेहंदी के नाखून लगाए रहते थे। कभी उंगलियां सफेद, नाखून सफेद नहीं होने चाहिए, ऐसा बाई बोलती थी। बिहार में भी अकेले चली जाती थी, बिहार में सबसे बहुत प्रेम था उनका, सब बहुत इज्जत करते थे और सब बहुत मान सम्मान भी देते थे। तीनों बेटों से भी उनको, भाई को बड़ा प्रेम था। हमेशा उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता, भाया भाया यू खा लो, भाया थक गया हो आराम कर लो, भाई भाया 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 कहते उनको मुंह सकता था। हम हंसते थे उनको भाया पे, ये भाया भाया क्या करते हो भाई, लेकिन अच्छा लगता था, मस्ती मजाक करते थे। दूध मलाई दही तो मक्खन से रोटी खा लेती थी भाई, उनको सब्जियां उतनी नहीं चाहिए थी। सब्जी खाने का शौक था पर अगर दूध दही मलाई छाक दे दो तो उससे भी उनको पेट भर के खाना खा लेते थे। बाकी चाय का शौक था, चाय पीने की आदत मेरी भाई नहीं बनाई, मैं बिहार में चाय नहीं पीती थी। और क्या बोलूं, मस्ती की जिंदगी जी। अनबन भी हमारे कभी कभी होती थी, वो सब में होती है, लेकिन वो वापस को समझते थे कि अभी उन्हें हमारा अच्छा के बाद देखे। मैंने रोज भी उन्हें खेवा यू मत खाओ वो मत खाओ, मैंने भूखो तो लागे पर ये हमारा अच्छा के बाद देखे, मैं तकलीफ ना पाऊँ, ये जो खिलावा को मैं तकलीफ ना पाऊँ, तो ये चीज का उनको एहसास भी था। बाकी काम तो उन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं, बहुत काम करते थे, कभी खाली बैठे नहीं रहे। अगर सर्दी में आए तो रजाई देखी तो रजाई के कहीं टाके डालने तो वो कर दिया, कहीं बैठे कुछ नहीं किया तो मूंगफली छील दी, कभी पापड़ खींचे बना दिए, अचार चटनी मुरब्बा सब घर पे बनाती थी। नींबू का अचार उन्हीं से सीखा मैंने, आंवले का मुरब्बा सीखा, तरह तरह के मसाले सीखे, लड्डू बनाना सीखे। कितने भी थक जाते बोलते जाएंगे बड़े, लेकिन काम फिर भी नहीं छोड़ते थे, ये उनकी खास बात होती थी। आजकल हम बैठ जाते हैं, बैठते नहीं थे। बहुत सम्मान करते थे सभी उनका, और करना चाहिए। हमारी बाई जिंदा दिल इंसान थी, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। लास्ट में साल डेढ़ साल उन्होंने शारीरिक तकलीफ देखी थोड़ी, कोई ना कोई वजह बनाता है भगवान, लेकिन बहुत अच्छा जीवन जिया और अच्छा जीवन जीते भगवान का। श्री कृष्णा, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, सितंबर 2020 का महीना, मैं मुंबई से राम लक्ष्मण बोल रहा हूँ। दाजी को याद कर रहा था, ग्रैंड फादर स्वर्गीय श्री शंकर लाल जिसवाला का, धर्मात्मा और दानवीर थे, दीन दुखियों की खूब सेवा करना, भक्ति में लीन, कबूतरों का खूब ध्यान रखते थे, संतों की सेवा
और हमेशा कुछ कुछ काम ऐसा करते थे कि लोगों को दिल जीत रहे, सिर पे हाथ रखते थे तो ऐसा लगता था कि ये बहुत बड़ा हमें सहारा मिला, तो नमन है उनको। हमारे पिताश्री स्वर्गीय श्री राधा कृष्ण जी नौलखा भक्ति भाव से भरपूर रामचरितमानस के वाचक, इतिहास के ज्ञाता, अच्छे वक्ता, मातृभूमि को समर्पण, भारतीय संस्कृति का प्रचार, गौ माता की सेवा, रोबिला व्यक्तित्व, मधुर वाणी, किसान और खेती का कार्य, जय जवान जय किसान का नारा और चाय को जमीन में गाड़ दो का नारा, मिलनसार सबके जय ते, स्वस्थ पढ़ाई लिखाई में कम पर शास्त्र ज्ञान के अभूतपूर्व ज्ञाता नमन। मेरी माता श्री स्वर्गीय रामकन्या जी देवी बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता, रफ एंड टप कार्य करने में कभी शर्माते नहीं थे, सभी लोग उनको बहुत रिगार्ड्स करते थे और वो भी परिवार में सबका ध्यान रखते थे, धाई के नाम में गली मोहल्ले में और परिवार में सभी लोग उनको कहा के पुकारते थे, धाई धाई किया करते थे, कीर्तन हो, मंदिर जाना हो, गीत गाना हो, फेस्टिवल मनाना हो, ग्रुप में रहना हो, पास पड़ोसी में रहना हो, सभी तरह की जिम्मेदारियां उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से निभाई। कुछ स्ट्रगल पीरियड रहा क्योंकि एक बहुत अच्छी फैमिली से वो बिलोंग करते थे, लेकिन पूरी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए उन्होंने अपने जीवन यापन किया। नमन मेरे भदर बड़े भदर श्री स्वर्गीय श्री प्रकाश भाई साहब का ऐसा माई गोलोवास कुछ ही महीनों कुछ एक आध साल पहले डेढ़ साल पहले हुआ, बहुत ही मिसिंग है परिवार में, नौलखा फैमिली में पारिवारिक जिम्मेदारी समन्वय से उनका रिगार्ड्स हाईएस्ट रहा। राधा कृष्ण गौशाला उनका ड्रीम प्रोजेक्ट, वे वहाँ पर बाग बगीचा, पुस्तकालय, संत निवास, ज्योतिर्लिंग की स्थापना और बच्चों के स्कूल इत्यादि बनवा कर एक बहुत बड़ा आदर्श और संस्कार स्थापित करके गए हैं। नमन है सभी को और हमारे सभी पितरों को जो परिवार नौलखा फैमिली में रहे हैं समय समय पर, सबको नमन करता हूँ। जिंदगी के दो जहाँ, एक ये जहाँ एक वो जहाँ, चलती रही सांसें तो ये जहाँ, नहीं तो वो जहाँ, नहीं तो वो जहाँ। नमन नमन नमन।